सब दोस्त कैसे हैं? जी आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सिंधी चिकन बिरयानी। कैसे बनती है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। मेरे पास क्या क्या आइटम है मैं आपको बताता चलूँ। मेरे पास दही है जो हम रायते के लिए और इसमें शामिल, इस तरह मेरे पास गर्म मसाला है जिसमें बादियान, उसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, इस तरह मेरे पास जीरा, काली मिर्च, इस तरह मेरे पास थोड़ा सा आलू बुखारा और साथ आलू, इस तरह मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, हसबे जायका नमक, आपने हल्का सा टच डालना है हल्दी के पाउडर में, सालन में हम यूज़ करें। इस तरह 5-7 अदद मेरे पास ग्रीन मिर्च, 4 अदद मेरे पास आलू, 2 अदद लीमू, थोड़ा सा धनिया जो हम रायते में इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन, और 5 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज, और 5 साइज मेरे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर। इस तरफ आधा किलो मेरे पास चिकन है जो अच्छी तरह से मैंने वाश किया हुआ। इस तरफ मेरे पास 2.5 गिलास कच्ची बासमती के कच्ची के चावल है मेरे पास, अच्छी तरह से मैंने इनको भगो दिया है। आपने भी इनको अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह भगो देना, फिर इसको हम बॉयल कर लेंगे। इस तरफ मेरे पास बिरयानी मसाला और साथ थोड़ा सा जर्दा। जी चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले इसकी कटिंग कर देता हूँ। आपने आलू की कटिंग मोटी मोटी रखनी है जैसे आप पसंद करते हैं, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से कटिंग मेरी आलू जो है उनकी कटिंग मैंने कर ली है, और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। और मैं कल भी कह चुका था कि अब जो प्याज है मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे प्याज की कटिंग जो है अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और हम कुछ अब करते हैं इंशाल्लाह सालन पकने के लिए। जो बिरयानी का सालन बनाना है उसको बना रहे हम, और जी ये जो लहसुन है इसको मैं छील लेता हूँ साथ ही। प्याज मैंने धो लिए थे पहले ही, और इसको आप शामिल करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अदरक और लहसुन को अच्छी तरह छील लिया, मैं हल्का से इनको वॉश कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हा जला दिया है, खुला मैंने पानी डाल दिया। हम इसमें चावल शामिल करते हैं, 2.5 गिलास जो मेरे पास है हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसमें मैं चावल शामिल करूंगा। जी मैंने इसमें चावल शामिल कर दी है, मैं इसमें शामिल करता हूँ तमाम चीज़ें जो हमने इसमें, ये मेरे पास ये गरम मसाला है जो मैंने आपको बताया, ये इसमें शामिल करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले रहें। ये कच्ची के चावल हैं, इसको बहुत ही एहतियात के साथ बॉयल करना पड़ता है और प्रॉपर इसको खड़े होके, ठीक है, ये ज़्यादा बॉयल भी ना हो, आपने कोशिश करनी। इसमें मैं शामिल करता हूँ, आपने हसबे जायका हसबे ज़रूरत आपसे नमक इस्तेमाल करना है। जी इसी तरह आपने हसबे ज़रूरत आपने इसमें नमक यूज़ करना है। इसके ऊपर रख देते हैं कढ़ाही। जी इसमें शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। अपने हसबे ज़रूरत आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें डालते हैं हम प्याज, हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इस तरह मैं कटिंग कर लेता हूँ टमाटर के। आपने टमाटर अपनी मर्जी से, मर्जी के मुताबिक आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। मैं इनको लंबाई में मोटा मोटा इनकी कटिंग कर ली है मैंने इसी तरह, ताकि हमारा जो टमाटर है वो हाफ महीने के मिक्स हो, थोड़ा थोड़ा नज़र आए, तो जायका भी अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर की कटिंग हो गई है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ जो भी वॉच करता है सब्सक्राइब जरूर करें। मैं, मेरी कोशिश है कि जो यहाँ से आमदनी जनरेट हो, मैं वो जो मुस्तहिक गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद कर सकूँ, मैं इसलिए इस चैनल को चला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दिया और सब कुछ है। आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और इस तरफ अदरक और लहसुन और साथ ग्रीन मिर्च का पेस्ट बना लूँ। जी तमाम चीज़ें मेरे पास धुली हुई थी, मैं धो के रखी हुई थी, अब अच्छी तरह से जी अच्छी तरह से इनको, जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अच्छी तरह इनको रगड़ लिया, पेस्ट बना लिया। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा कलर आना शुरू हो गया, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मज़ीद और करेंगे हम इनको अच्छी तरह से ब्राउन। और मैं आप चावल चेक कर लेता हूँ। जी मैं चेक कर लेता हूँ, बिस्मिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कच्चे के चावल हैं और बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं आपके सामने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ, मज़ीद ये ख़राब हो जाएगा। मैंने चूल्हा इसके नीचे से बंद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने निकाल लिए हैं और अच्छी तरह से इनके ऊपर पानी डाल के अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है, ताकि अच्छी तरह हमारी पिच जो है वो साफ़ हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए। मैं थोड़े से प्याज जो है वो मैं निकालूंगा तड़के के लिए, जो हम तड़के में इसको और सॉरी दम के टाइम जो हम डालेंगे। ये थोड़े से मैंने प्याज निकाल लिए जो दम के टाइम हम इसमें शामिल करेंगे। अब मैं शामिल करता हूँ इनमें आलू, इसमें मैं शामिल करता हूँ अदरक जायका, नमक, इसी के साथ शामिल करते हैं चिकन, अच्छी तरह से इनको हमने चिकन को भून लेना है। आधा किलो मेरे पास चिकन था, मैंने बताया भी था इसमें शुरू में। जी इसमें मैं शामिल करता हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा जो इसमें मैं शामिल करता हूँ मेरे पास आलू बुखारा और आलू इमली। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे।
मिर्च के जलने की स्मेल आना शुरू हो गई है, मैं इसमें शामिल करूंगा टमाटर। अच्छी तरह से आपने इसमें टमाटर डाल के मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, या ऐसे से जो टमाटर ने पानी छोड़ना है इसमें से, ये जो नीचे लग रही है हांडी हमारी वो लगना खत्म हो जाएगी। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का और ग्रीन मिर्च का पेस्ट। एक एक दो दो मिनट के वक्त में आपने चीज़ें इसमें शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से मैं इसे दोबारा हिला दूंगा। ये देखें साइड पे लगना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने पानी और शामिल अदरक ये लहसुन आप मैंने पेस्ट वगैरह शामिल किया। इस पर अब ढक्कन दे देंगे हम ताकि अच्छी तरह से हमारा ये पक जाए। ज़रा आँच थोड़ी स्लो कर देंगे, नीचे ना लगे और ये पक जाए अच्छी तरह से तमाम चीज़ें हमारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, इसमें हम शामिल करेंगे आप दही। इसमें हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला इस तरह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये चीज़ें डाल दी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगा गरम मसाला, ज़ीरा, दालचीनी थोड़ी सी और काली मिर्च, और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारे आलू तकरीबन गल चुके होंगे, अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे और ऊपर ढक्कन दे के। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारी खुशबू, स्पाइसी किस्म की सिंधी बिरयानी। इसमें मैं शामिल करूंगा कटा हुआ नींबू, एक अदर नींबू, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगा। इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए, अपना 2 मिनट के लिए इसको दाम दे दूंगा दोबारा से। जी इसे 2 मिनट बाद ओपन करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं शामिल करूंगा ग्रीन धनिया। जी ग्रीन धनिया शामिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल पक के तैयार है। मैं चूल्हा नीचे से बंद कर देता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा बंद कर दिया मैंने और इसमें आप देते हैं दम की तरफ चलते हैं। छोटा हाशिर मेरा भतीजा चाचू के साथ एंजॉय कर रहा है, देख रहा है। हाशिर ओए मज़ेदार बन रहे चावल, मज़े के। हाँ मज़े की कह रहे हैं, मज़े के चावल बन रहे हैं। वो उधर खुशबू आ रही है, वो मान रहे हैं। जी मैंने पतीले के नीचे आग जला दी है, हम शामिल करेंगे इसमें जो कुकिंग ऑयल जो हमारे पास हांडी में है वो शामिल करने की कोशिश करें ताकि हमारा नीचे ना लगे। ये देखें हमारी चावल जो हैं जब हम दाम देंगे तो ये नीचे ना लगे, मैं इसलिए इसमें ऑयल शामिल कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पतीला जो है वो गर्म हो गया है, मैं थोड़ा इसमें शामिल करता हूँ।
साइड पर करने के बाद इसमें शामिल करूंगा इसके ऊपर जरा अच्छी तरह से हम ये चावल डाल देंगे। फूड कलर डाल देंगे दूध में शामिल करके इसको। ये ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, कड़वा होता है इसलिए हम इसको कम इस्तेमाल करेंगे। अब आंच जो है वो स्लो कर दूंगा ताकि हमारे चावल नीचे ना लगें। कोशिश करें अगर आपका पतीले का नीचे वाला हिस्सा जो वो नाजुक है, ज़्यादा नीचे लगते हैं, तो आप इसके नीचे तवा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह हमारे, मैंने इनको दम दे दिया अच्छी तरह से। अब 15 मिनट इनको दम देंगे हम ऊपर वजन डाल के। मैं इस पर कुंडी रख देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इनको दम पे लगा दिए। हम 15 मिनट बाद इनको खोल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी रेसिपी आज की बनके बिल्कुल तैयार है। आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपने घर में बनाएं, फीडबैक मुझे इसका दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मैं भी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।